जूम करके दिखाना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे, तो हम भी अच्छे से हैं। और अभी पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। और इससे पहले आपने जो ब्लॉग देखे थे वो थे हमारे रास्ते के, और कैसे कैसे हमने रास्ते में सफ़र किया, कितनी प्रॉब्लम हमें हुई, हमने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। और लाइफ में ना सबसे मतलब ये जो हमने सफ़र किया बहुत ही मतलब चेंज बहुत ही अलग था, और हमेशा याद रहेगा कि हमने कैसे सफ़र किया और कितनी परेशानी हुई। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है पहाड़ों में, तो ये चीज़ें ये मुसीबतें होती रहेंगी। और आप सबको आप सबके लिए वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप सब भी जब भी कभी पहाड़ों में ट्रैवल करें तो या आपको भी ऐसा मतलब हमारी तरह गलती ना करें, रेनकोट साथ में लेके चलें। तो अब मैं यहाँ पे जो है जितने दिन हम यहाँ पे रहेंगे तो ऋषिकेश की ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो फिलहाल हम चाय पी रहे हैं, ये है चाय, और हम गिलास में चाय पी रहे हैं, कप में नहीं पी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ सकते हैं ऐसे कि आप यहाँ पे गिलास में चाय पी रहे हो, कप में क्यों नहीं? तो आदत पड़ गई है गिलास में, तो उसके कप नहीं निकाले हमने। और वैसे भी मैं यहाँ पे सामान जो है ना अपना सफाई करने आई हूँ, तो सारे पैकिंग कर, तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पे अभी आपको सो रही है, और ये देखो हमें ऋषिकेश में भी हम आए हैं, और इतना मोटा कंबल जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि ना फैन जो है बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है और फिर ठंडा भी लग रहा है। अक्कू उठ गई। अक्कू गुड मॉर्निंग, अक्कू अक्कू गुड मॉर्निंग, नखरे ज़्यादा दिखा रही है अक्कू। चले आपको सब अभी आपको मिलाते हैं बाद में, अभी तो फिलहाल सो ही रही है। कभी स्टील ग्लास में पीते हैं चाय, हम पहाड़ी हैं, अम्मी मपेंदा चाय। अक्कू उठ गया। मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला। आगे बोलो। अपनो सी दिखेनो छेले लगनो भलुसी मोकू छे, कावेर पहाड़ी भुला के जिला के मोकू छे। वाह, सुबह की चाय किशन जी की सुरीली सी आवाज के साथ, गाने के साथ। पहाड़ में गया भी नहीं हूँ। हेलो अक्कू, हेलो गुड मॉर्निंग अक्कू, कैसा लग रहा है आपको ऋषिकेश में? आपको कैसा लग रहा है ऋषिकेश में? ये जिस दिन से आई घर से ना, तो ये बाहर निकल रही है और दिन भर इसके कार्टून चल रहे हैं। स्कूल रखना पड़ेगा, पर अभी स्कूल खुलेगी बच्चे। तो अभी जो है ना चाय पी के मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर यहाँ का आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और ऋषिकेश यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं इस लोकेशन में आके ना ऐसा नहीं लगता है कि हम शहर में आए हैं, बस गांव वाली फीलिंग आती है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल गांव की जैसे खेती सब चीज़ होता है। और अभी आपको जो है ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, और ये वाले जो कपड़े हैं ये मैंने कल शाम को धोए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम है क्योंकि चार पाँच महीने से हमारा जो है ना रूम बंद है, तो वो सफाई करने के लिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं डीप क्लीनिंग करने पे लगी हूँ क्योंकि ऐसे छोटी हल्की फुल्की सफाई में डीप क्लीनिंग चाहिए यहाँ के लिए। किचन हो गया, सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ना मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि पहले मैं सारी सफाई कर लेती, फ्री हो जाऊँगी तब मैं ब्लॉग बनाऊँगी। और अब जो है हमें आज यहाँ पे 2 दिन लगभग हो चुके हैं, आज हमारा नहीं हमें 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे, जिस दिन से मैं आया 3 दिन हो गए हैं, और आज चौथा दिन है यहाँ पे। तो शायद अब 2-4 दिन और रुकेंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर गाँव के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अभी अक्कू भी आ गई है। अक्कू अब हेलो गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, बोलो गुड मॉर्निंग, अच्छे से बोलो। अगर ऐसा बोल दें ना कि अभी यहाँ पे हुआ, तो ये देखिए बिल्कुल सामने का व्यू, और यहाँ पे जो है ना इस समय धान की खेती हो रही है, नहीं चावल की खेती, पूरे में चावल की खेती है। कहीं कहीं बीच बीच में घास के लिए भी घास जो होता है ना वो बोते हैं, तो जिनके यहाँ पे जो है लोग गाय वगैरह और गाय भैंस भी पालते हैं, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे घास भी है, घास भी बोया होगा बीच बीच में, लेकिन पूरा आपको हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी, तो बहुत ही सुंदर व्यू है। बाकी जो है ना इधर यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, तो ये देखिए ये हमारा जो है इस वाले ऊपर वाले फ्लोर में हम यहाँ पे रहते हैं, ये सामने पे हमारे जो है ऑनर मकान मालिक हैं वो रहते हैं, उनका अंदर ही अंदर पूरा सेटअप है। तो ये वाला घर जो है उनका है, सेकंड वाला जो है उनकी देवरानी का है, और उससे फर्स्ट वाला जो उधर से है फर्स्ट, तो वो उनकी जेठानी का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड,
तो ये तीनों देवरानी जेठानी का घर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना नीचे पूरी खेत है इनकी। सो ये यहाँ पे भी कद्दू की बेल जा रही है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना, हम लोगों ने बोई है गाँव में, आपने देखे मेरे ब्लॉग में, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी कद्दू की बेल है। सामने पे हल्दी, अरबी, ये सारी चीज़ें, तो पूरी गाँव वाली फीलिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम शहर में आए हैं बस। और आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट व्लॉग मेरा जो है इसी घर का था। हम यहाँ पे आए थे तो मैंने फर्स्ट व्लॉग यहीं से अपना डाला था, और मदर्स डे था उस दिन, तो सबसे पहले मैंने जो है व्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट की थी। और आज जो है ना याद आ रही है कि हाँ पहला व्लॉग यहीं से डाला था, है ना पहला व्लॉग यहीं से तो डाला था हमने, यहीं से डाला था कूड़े डालने के साथ। और मैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्या सीन होता है, हम नीचे जाते हैं यहाँ पे खेत में, तो वहाँ पे जो है ना कूड़ा वहीं डालते हैं, तो तब मैंने पूरा शेयर किया था, आप देखेंगे तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मेरा पहला व्लॉग था यहीं का। तो अभी मैं फिर से जो है अंदर वाले रूम में आ गई हूँ, और अभी पहले ना सबसे पहले हम लोग उठ गए हैं, तो मैं बिस्तर डालूंगी सारे बाहर। और अभी लगभग मुझे ना तीन दिन तो हो गए कंटिन्यू जो मैं बिस्तर है ना धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इतने टाइम से जो है हमारा रूम बनता है, और प्लस बरसात का सीजन था तो स्मेल आती है बिस्तरों में, तो सबसे पहले मैं वो डालती हूँ बाहर। चार्ज क्यों नहीं हो रही, नहीं हो रहा चार्ज, रात भर से लगा रखा है मैंने, चार्ज पे हो नहीं रहा। एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि हम इसका चार्जर लाना भूल गए, और जो इनके पास फ़ोन है नया वाला तो उसका तो लेके आए हैं, और ये है नीचे क्या बोलते हैं सेम पावर बैंक है, तो उसमें लगा तो रखा है, तो पता नहीं यहाँ तो शो कर रहा है लेकिन बहुत टाइम हो गया, हो ही नहीं रहा चार्ज। नेट ऑन तो नहीं है इसका? नहीं नेट ऑन नहीं है, ठीक है रहने, हो जाएगा। चलो एक मिनट, चलो हो जाएगा। तो अभी जो है ना नाश्ता रेडी कर दिया है मैंने, और कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बन मक्खन है साथ में और चाय है, तो थोड़ा हल्का सा नाश्ता इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी नाश्ता हो जाएगा, तो फिर मैं घर के और भी काम करूंगी और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे जैसे करते ही रहते हैं, तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो है ना साफ सफाई करनी है। और ये भाभी ने दिया है, और ये पता है क्या है, ये है कद्दू के जो फूल होते हैं ना उसकी रोटी है। अब रेसिपी मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी ना बनाया ना कभी खाया है, फिर अभी जो टेस्ट करके देखा है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है रोटी। अब मैं भाभी से रेसिपी पूछूंगी तो फिर मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि हमारे गांव में तो कद्दू बहुत ज़्यादा है और फूल तो अनगिनत ही लगे रहता है, तो हम बना सकते हैं उसे। तो फिलहाल भी अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। चलो तो अभी जो है नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, और अब जो है बाकी और काम करूंगी मैं घर के, काफ़ी सारे काम हैं यहाँ पे, साफ सफाई को लेके तो बहुत सारे हैं। और अब जो है मेरे हस्बैंड भी जाएंगे काम पे, और तो एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, तो एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे आए और मैंने अपने दो ब्लॉग डाले हुए थे जो ऋषिकेश आने का, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका आपने घर कब बनवाया और ये आपका यहाँ पे अपना आपका अपना घर है, बहुत सारे कमेंट घर को लेकर के। तो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये हमारा अपना घर नहीं है, ये हमारा रेंट पे है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा रूम है और इधर ये वाला है किचन, तो ये ऊपर हमने जो ऊपर वाला सेट है तो कमरा किचन और लैट्रिन बाथरूम सेपरेट, तो ये हमने रेंट पे लिया हुआ है और हम इसका पर मंथ जो है पे करते हैं 2000। और तो ये अपना घर तो नहीं है, अपना घर होता तो फिर तो बात ही कुछ और होती और हम यहीं पे रहते, लेकिन रेंट का है इसलिए लॉकडाउन में जो है ना बहुत दिक्कत हुई हमें, तो इसलिए हम घर भी चले गए गाँव में, और फिर हम वीडियोस वगैरह भी बनाते तो इसलिए तो वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए हम गांव चले गए। और आज का ब्लॉग भी जो है यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में।